गुड मॉर्निंग, वेलकम, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आप सब अच्छे से होंगे ऐसी आशा करता हूं। बच्चों, मैं लगातार आपके लिए वीडियोस दे रहा हूं सी लैंग्वेज से संबंधित छोटे छोटे विषयों के, जिसमें सी क्या है, कितने प्रकार के लूप्स होते हैं, एरे क्या है, कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं अभी तक, डेटा टाइप्स क्या है, बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। उसी क्रम में आपको फंक्शंस क्या है, फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, हम लोग फंक्शंस का निर्माण कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक नया विषय, एक नया जानकारी के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं, वो है कितने प्रकार के UDF हैं आपके सी में, टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन सी। तो देखिए कितने प्रकार से हम UDF का निर्माण कर सकते हैं या UDF कितने प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि सी लैंग्वेज में जो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे वो दो प्रकार के होते हैं, एक जिन्हें हम कहते हैं कॉल बाई वैल्यू, और जो दूसरा आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल बाई रेफरेंस। एक कॉल बाई वैल्यू तुम्हारा और दूसरा तुम्हारा कॉल बाई रेफरेंस। तो प्रश्न उठता है कि पहले आप कौन सा लेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कॉल बाई वैल्यू किसे कहते हैं। कॉल बाई वैल्यू के बाद आपको तब पढ़ाया जाएगा कॉल बाय रेफरेंस, और कॉल बाय रेफरेंस आप सीखें इसके पहले आपको एक स्पेशल टॉपिक, शायद सी का सबसे शानदार टॉपिक है, नाम है उसका पॉइंटर्स। इसका नॉलेज होना जरूरी है, बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे, बिना इसके आप नहीं बना पाएंगे। क्या नहीं बना पाएंगे, कॉल बाय रेफरेंस टाइप के फंक्शंस। तो आइए आइए शुरुआत की जाए। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं कॉल बाई वैल्यू टाइप फंक्शन। तो देखिए किस तरह के फंक्शनों को कॉल बाई वैल्यू कहते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, वो फंक्शन, द फंक्शन दैट वर्क्स ऑन वेरिएबल्स वैल्यू इज कॉल्ड कॉल बाई वैल्यू टाइप फंक्शन। ध्यान दीजिए इस चीज को, वो फंक्शन जो वर्क करता है वेरिएबल्स की वैल्यू पर, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू टाइप फंक्शन। और जरा आगे देखिएगा, एक अगर आपने क्या किया, एक सी में एक डिक्लेरेशन किया INT ए बराबर मान लीजिए 5, तो आप क्या कह रहे हैं कि कंपाइलर से आपने निवेदन किया कि मुझे मेमोरी पर एक लोकेशन ए बना दो जिसका मान क्या है, 5 है, और इसका कुछ भी मेमोरी पर एड्रेस होगा, मान लीजिए 65320। समझने के लिए यहां ए क्या है, ए तुम्हारे लोकेशन का नेम कहलाएगा। कुछ लोग इसको वेरिएबल नेम भी बच्चों कहते हैं, चाहे लोकेशन नेम कह लीजिए चाहे वेरिएबल नेम कह लीजिए। 5 क्या है तुम्हारा, कहलाएगा वैल्यू एट लोकेशन। और ये जो नीचे मैंने लिखा है ये मैंने माना हुआ है, ये मैं कंफर्म नहीं हो सकता कि क्या होगा, हमारे हाथ है ये लोकेशन नेम उसकी वैल्यू, लेकिन एड्रेस हमारे हाथ नहीं है। ये किसके हाथ है बच्चों, ये हाथ होता है कंपाइलर के, ये किसके हाथ होता है, कंपाइलर के हाथ होता है कि क्या एड्रेस पे तुम्हारी वैल्यू जाएगी। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, इसको टेक्निकल भाषा में हम लोग कहते हैं लोकेशन नेम।
लोकेशन नंबर, या इसी को कुछ लोग एड्रेस भी कहते हैं, लोकेशन नंबर या इसका एड्रेस। तो देखिए ये डिक्लेरेशन समझने की कोशिश करिए, जब आपने कंपाइलर से ये डिक्लेरेशन किया तो उसका क्या असर हुआ कि कंपाइलर ने आपके लिए मेमोरी पर एक ब्लॉक बनाया बच्चों, उस ब्लॉक का नाम ए रखा, उस ब्लॉक की वैल्यू 5 हुई, किस ऑपरेटर की मदद से हुई, असाइनमेंट ऑपरेटर। एक एक बातें समझने योग्य हैं, एक एक पॉइंट बच्चों कुछ कहता है, कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं कर सकते। और इस ये जो तुम्हारा वेरिएबल बना ए, उसका मेमोरी पर क्या एड्रेस है, ये एड्रेस है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि किस तरह के फंक्शनों को हम लोग कॉल बाय वैल्यू कहेंगे और किस तरह के फंक्शनों को कॉल बाय रेफरेंस कहेंगे। देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये 5 जो इस लोकेशन पर स्टोर है। अब इस 5 को अगर हम इस लोकेशन के नेम से पा जाएं तो ऐसे फंक्शन हम लोग के बनेंगे कॉल बाय वैल्यू बनेंगे। और अगर इस 5 को हम इस लोकेशन नंबर या एड्रेस से डिनोट करें तो ऐसे फंक्शनों को हम लोग क्या कहेंगे, कॉल बाय रेफरेंस कहेंगे। अब मुद्दा यहां यह है कि ये वाला तो तुम पहले से करते आए हो कि वेरिएबल का नाम यूज करते हो, उसकी वैल्यू मिल जाती है, ये कोई नई चीज नहीं है। नई चीज ये वाला है कि एड्रेस से कैसे वैल्यू मिले। शी शायद दुनिया की इकलौती ऐसी भाषा है जिसमें ये मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है कि आप मेमोरी वेरिएबल का एड्रेस यानी वो जहां पर स्टोर है वहां से वैल्यू गेट कर सकते हैं। देखिए कुछ मायने में तो बहुत शानदार चीज है लेकिन कुछ मायने में ये क्या है, सिक्योरिटी के खिलाफ है। सी और सी प्लस प्लस दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषाएं थी जिसमें कि वेरिएबल के एड्रेस से हम उसकी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। है तो बहुत इफिशियंट कि आप हार्डवेयर का डिटेल एक्सेस कर सकते हैं, हार्डवेयर की डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इस मैकेनिज्म से सिक्योरिटी सुरक्षा पे खतरा हो जाता है क्योंकि कोई भी हैकर तब डायरेक्ट एड्रेस से वैल्यू को प्राप्त कर लेगा। इसलिए आज की जितनी लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हारी है उसमें ये एड्रेस का सिद्धांत, ये पॉइंटर का सिद्धांत बच्चों क्या है, आपका हटा लिया गया, आपका उसको रिमूव कर दिया गया। कहां से रिमूव कर दिया गया, आपके लैंग्वेज से, पाइथन में नहीं मिलेगा, जावा में आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट हटा लिया। क्यों हटा लिया, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि हैकर्स क्या कर सकते हैं, बवाल कर सकते हैं भैया, डेटा हैक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि कॉल बाय वैल्यू फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शन जो वेरिएबल के वैल्यू को वेरिएबल के नेम से डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को वेरिएबल के नेम से डायरेक्ट अगर प्राप्त कर सके तो ऐसे फंक्शनों को हम लोग कॉल बाय वैल्यू टाइप फंक्शन कहते हैं। और कॉल बाय रेफरेंस लेटर ऑन बताएंगे। तो आइए इसके बाद आपको एक चीज और बताता हूं कि ये जो कॉल बाय वैल्यू फंक्शंस हैं आपके, इनको आप कितने प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहला नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट। दूसरा नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्ग्यूमेंट। तीसरा रिटर्न वैल्यू नो आर्ग्यूमेंट। और चौथा रिटर्न वैल्यू विथ आर्ग्यूमेंट। ये चार
कैटेगरीज हैं जिनके द्वारा आप अपने कॉल बाय वैल्यू टाइप के फंक्शन को डिजाइन कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहला नो रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट, यानी ये ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें ना कोई वैल्यू हम भेजेंगे ना ये वैल्यू कोई रिटर्न करेंगे। नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट, ये ऐसे फंक्शन है जिसमें हम वैल्यू तो पास करेंगे लेकिन वो कोई वैल्यू बच्चों कॉलर को रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट, ये रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट्स कैसे फंक्शन होते हैं? रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट वो फंक्शन है भाई जिसमें हम वैल्यू भी पास करेंगे और कॉलर को वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी करेगा। और इसी तरह से रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट, रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट क्या है? जिसमें हम वैल्यू भी भेजेंगे और वो वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो ये दोनों जो फंक्शन है आपके कैटेगरी नंबर 3 और 4, इनको बनाने के लिए एक स्पेशल रिटर्न स्टेटमेंट की क्या है, मदद लेनी पड़ती है। बिना रिटर्न स्टेटमेंट के, बिना रिटर्न स्टेटमेंट के इस तरह के फंक्शंस का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करता हूं आपको क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने कहा 2 प्रकार हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। किन्हें आप कॉल बाय वैल्यू कहेंगे और किन्हें आप कॉल बाय रेफरेंस कहेंगे, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि ये चारों प्रकार के फंक्शंस के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। और जब ये चारों प्रकार आप देख लेंगे फिर उसी अगले क्रम में आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पॉइंटर्स का सिद्धांत समझाऊंगा। तो लगातार हमारे साथ जुड़िए, हमारे आगे आने वाले वीडियोस के साथ रहिए बच्चों। और कंप्लीट पढ़ाई करनी है, अगर कंप्लीट सी की नॉलेज चाहिए तब तो आपको बड़ा ही जरूरी है कि डाउनलोड कीजिए हमारे यूनिक ग्रुप के ऐप को फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और सब्सक्राइब करिए। और अगर पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए और लाइक करिए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी, ये सूचना पहुंचे कि भैया नॉलेज मिल रही है, कहीं से ले लिया जाए। तो इस उम्मीद के साथ कि बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है, मैं आपसे विदा लेता हूं लगातार नए वीडियोस बनाने के वादे के साथ। गुड बाय, थैंक यू एंड नमस्कार।